दोस्तों, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी इन दिनों सुर्खियों में है। इन दिनों वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही है। खुद को यहाँ की संस्कृति में ढालना शुरू कर दिया है और सनातन धर्म को मानने लगी है। उनका कहना है कि सचिन के लिए हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया है और यहीं वो रहेगी। सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी सभी की जुबान पर है और वो 4 बच्चों के साथ सरहदों को पार कर प्रेमी के साथ जीवन बिताने भारत आ गई है। इन दिनों वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही है। जब से वो जेल से छूटकर सचिन के घर आई है, मोहल्ले में मेला जैसा लग गया है। लोग पाकिस्तानी बहू को देखने के लिए आ रहे हैं। दूसरी ओर सीमा ने भी यहाँ की संस्कृति में खुद को ढालना शुरू कर दिया है और वो अब सनातन धर्म को मनाने लगी है। गले में राधे राधे का पट्टा, हाथ जोड़कर अभिवादन करना, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना और भगवान की प्रार्थना करना, इन दिनों ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है। सीमा का कहना है कि उसने सचिन के लिए हिंदू धर्म अपना लिया है और यहीं वो रहेगी। उसने सचिन का नाम का मंगलसूत्र पहन लिया है और मांग में सिंदूर भी लगा रही है। उसे हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता था। सचिन का परिवार वेजिटेरियन है और लहसुन नहीं खाता, इसलिए नॉन वेजिटेरियन सीमा भी अब वेजिटेरियन हो गई है। उन्होंने लहसुन खाना भी छोड़ दिया है। उधर सीमा ने बताया कि सचिन से उसकी मुलाकात पबजी के जरिए हुई थी। उसने काठमांडू के एक मंदिर में सचिन से शादी कर ली। अब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। पहले पति गुलाम को लेकर कहा कि 2020 के बाद से वो उसके संपर्क में नहीं है, वो बहाना बना रहा है। चेहरे पर मिर्च पाउडर डाल देता था गुलाम, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी क्या सच्चाई है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान गई तो जान से मार दिया जाएगा उसे। हालांकि बच्चे जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन वो अब इसको छोड़कर नहीं जाएगी। शादी के बाद से ही पति गुलाम उसे टॉर्चर करता था, चेहरे पर मिर्च पाउडर डाल देता था। जब से उसने गुलाम को छोड़ा, उसका उसे कोई लेना देना नहीं है। सचिन को ही पिता मानते हैं उनके बच्चे, ऐसा बताया जा रहा है। सीमा ने कहा कि अब वो सचिन से प्यार करती है, वही उसका पति है। वो सचिन के साथ काफी खुश है, बच्चे भी सचिन को ही पिता मानते हैं। दूसरी ओर सीमा के हिंदू बनने की बात सुनकर आसपास के हिंदू संगठन के लोग बहुत खुश हैं। लोग उससे मिलने उसकी ससुराल पहुंच रहे हैं और आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। उनकी दोस्ती पबजी गेम से हुई थी और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। दोनों का दावा है कि दोनों ने नेपाल में शादी कर ली, गैरकानूनी तरीके से भारत में आई थी। सीमा को पुलिस ने पकड़ लिया था। बीते शुक्रवार को बेल मिलने के बाद दोनों साथ में रह रहे हैं। सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है और नॉन वेज खाना छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की सीमा हैदर ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना नाम सीमा सचिन कर लिया है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने 4 बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म के अनुसार रख लिए हैं। यदि दोस्तों आपको लाखों रुपए की कमाई करनी है तो उसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप मात्र 499 के अंदर कोर्स का बंडल ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 151 से ज्यादा कोर्स मिलने वाले हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद में आपकी जिंदगी 100% बदलने वाली है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर या इन कोर्सेज के अंदर जो बताया गया है उनको यदि आप सही से फॉलो करते हैं तो आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इनके अंदर ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, इन सब से रिलेटेड कोर्स दिया गया है। जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए और 499 के अंदर इसे लूट लीजिए। सऊदी अरब में रह रहे सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने मोदी सरकार से गुहार लगाई। हैदर का दावा था कि सीमा को गेम के जरिए बहकाया गया है। उसने पत्नी और बच्चों को वापस करने की भारत सरकार से अपील की। सीमा की बात करें तो वो भारत में सचिन के साथ ही रहना चाहती है। उनका दावा है कि दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। पबजी गेम खेलते हुए दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और नेपाल जाकर दोनों ने शादी कर ली। सीमा गैरकानूनी तरीकों से पाकिस्तान से दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल आई। इसके बाद बसें बदलकर वो ग्रेटर नोएडा पहुंची। फिलहाल सचिन और सीमा उत्तर प्रदेश के रबुपुरा में रह रहे हैं। सीमा के 4 बच्चे भी यहीं रह रहे हैं। सचिन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीमा 4 बच्चों की माँ है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।